नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र शर्मा। मध्य प्रदेश का जल्द ही नक्शा बदल जाएगा। दरअसल प्रदेश के सभी जिलों के थानों की सीमाएं एक बार फिर से तय होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैसले के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 31 जनवरी तक राज्य के सभी जिला अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद गृह विभाग राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करेगा। सीएम मोहन इंदौर संभाग के खरगोन में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार संभाग और जिलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए कमेटी बनाकर अध्ययन कराया जाएगा। इस कार्य की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जाएगी। प्रदेश भर में थानों और चौकियों की सीमाओं का निर्धारण नए सिरे से होगा। मुख्यमंत्री ने थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उक्त प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया जाएगा। सीएम मोहन के फैसले के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 31 जनवरी तक सभी जिलों के अधिकारियों को गृह विभाग को रिपोर्ट देनी होगी। 31 जनवरी 2024 तक कलेक्टर समिति अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजेगा। इसके बाद 7 फरवरी 2024 को गृह विभाग राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करेगा। नोटिफिकेशन के साथ ही नई सीमाएं प्रभावित हो जाएगी। आपको बता दें कि आबादी अपराध की दर क्षेत्र अधिकार को देखते हुए हर 14 साल में ऐसे सीमाएं निर्धारित की जाती है। पिछली बार 2010 में सीमाओं का निर्धारण किया गया था। यह था अब तक अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।